प्रिय बच्चों सुप्रभात। आज आप सभी को वर्ग 8 में स्वागत है। आज आपको पाठ 3 जिसका शीर्षक है न्यू की ईट पढ़ने जा रहे हैं। यह एक लेख है, न्यू की ईट यह एक लेख है जिसका लेखक राम ब्रिज बेनीपुरी जी हैं। वे इस लेख के माध्यम से सभी नौजवानों को युवाओं को नागरिकों को देश हित में निस्वार्थ बिना स्वार्थ बिना लोभ के कार्य करने की प्रेरणा दी है। इस लेख शुरू करने के पहले इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्द के अर्थ के बारे में हम समझेंगे। सुधर 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 का अर्थ होता है सुडौल। सुडौल का मतलब क्या, अर्थ क्या, जिसका आकार जो है सीधा हो, अच्छा हो, सुंदर हो, देखने में अच्छा लगे। यदि कोई मकान जो है इमारत जो है उनका आकार ठीक नहीं है, क्या देखने में अच्छा लगता है, नहीं लगता है। इस प्रकार सुधर का अर्थ होता है सुडौल, आवरण, पर्दा, किसी चीज को किसी वस्तु को छिपाने के लिए हम क्या करते हैं, पर्दा लगाते हैं। आप लोग अपने घर में पर्दा लगाते होंगे, तो पर्दा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे घर का जो सामान है कोई दूसरे व्यक्ति देखे नहीं, वो छिपा रहे, इसे लगाते हैं ना है पर्दा। तो आवरण, आवरण का अर्थ होता है पर्दा, लोचन, लोचन का अर्थ होता है नेत्र या आंख। लोचन, नेत्र, आंख, ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति होना या न होना, होना या न होना। मुनासिब का अर्थ होता है आश्रित, यानी किसी चीज पर आश्रित होना, किसी चीज पर निर्भर होना। विलेख समाप्त, या इसको हम तिरोहित भी कहेंगे। सेहरा का अर्थ होता है मुकुट, जो मुकुट जो सिर पर रखा जाता है, जो सिर पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, मुकुट कहते हैं। और ये मुकुट जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं। वो मुकुट जो हैं राजा महाराजा के कुछ अलग मुकुट होते थे, और भी लोग हैं जैसे किसान हुए हैं, चाहे और भी कोई ऐसे साधु संत होते हैं, वो भी जो है कि माथे पर क्या बांधते हैं, एक कपड़ा बांधते हैं जिसको कि हम हिंदी में पगड़ी कहते हैं। एक तरह से ये भी क्या है, एक तरह से ये मुकुट ही है। मूढ़, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। होरा होरी, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जो आपस में जो जो होर लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अभिभूत, वश का अर्थ होता है वशीभूत। कंगूरा, कंगूरा कहते हैं गुंबद को। आप देखे होंगे जो मकान जो होता है, मकान के ऊपर में जो गुंबद होता है, गोलाकार आकार, गोलाकार जो गुंबद होता है, जैसे ताजमहल हो गया, या आप
मस्जिद में जाइए, ऊपर में गुम्बद बना होता है। इसके अलावा और भी गुम्बद होते हैं मकान के ऊपर में, और भी आकार का गुम्बद होते हैं, जिसको हम कंगूरा करते हैं। शिवम का अर्थ होता है सुंदर, पुख्तापन, मजबूती, पायदारी का अर्थ होता है मजबूती और टिकाऊपन। टिकाऊपन यानी कि टिकाऊ, यानी कि अधिक से अधिक समय तक वह टिका रह सके। अंधकूप, अंधेरा कुआं, वैसा कुआं जहां कि प्रकाश जो है वो नहीं जाता हो, उसे हम अंधेरा कुआं कहते हैं। शहादत, प्राण की बलि, प्राण की बलि। उत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान, धारणा का अर्थ होता है विचार, और अनुप्राणित मतलब प्रेरित, मतलब किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसके पीछे जो है एक प्रेरणा होता है, एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को लेकर करके हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को हम करते हैं। तो जो हमारा जो लक्ष्य हुआ, जो हमारा निश्चय हुआ, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम किसी कार्य को करते हैं, तो क्या है, एक तरह से प्रेरणा ही है। क्योंकि वो लक्ष्य क्या है, यदि हम मैं नहीं करूंगा तो क्या वो कार्य होगा। तो जो लक्ष्य जो है वो क्या कहा, वो हमको जो है वो उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आतुर, आतुर का अर्थ होता है बेचैन। बेचैन वह शब्द है जो किसी कार्य को करने के लिए, जल्दी से जल्दी कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अपने अंदर में एक उथल पुथल सा अनुभव होता है कि जितना जल्द हो उस काम को हम जल्द से जल्द समाप्त करें। यानी कि उस कार्य को करने के लिए मैं काफी बेचैन से कहिए, आतुर कहिए होते हैं। तो ये है आपके इस लेख का कठिन शब्दों का। अब हम लेख के देखते हैं। तो इस लेख में राम वृक्ष बेनी पुरु जी कहते हैं कि आप इस धरती पर एक से एक सुंदर से सुंदर इमारत को देखते हैं, और वैसे इमारत जो हमारे आंखों को, हमारे लोचन को वे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके चकाचौंध को देखकर हम आश्चर्यचकित करते हैं और हम कहते हैं कि वाह क्या इमारत है, क्या इसका रंग है, क्या इसका आकार है। लेकिन बच्चों, हम आप इमारत के चकाचौंध को, सुंदरता को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे ठोस सत्य को नहीं देखते हैं। सत्य, सत्य जो है वो ऐसा नहीं कि सच्चाई होता है, सही होता है, सुंदर ही होता है, ये झूठा भी हो सकता है। ठीक है, ये जो सत्य जो है, सत्य ये जो कठोरता और भद्दापन दोनों से जन्म लिए हैं। कठोरता से हम भागते हैं और भद्दापन से मुख, अपने मुख को मोड़ते हैं। यानी कि जो सत्य जो है ये दोनों से ही उत्पन्न हुए हैं। तो किसी भी इस इमारत के पीछे एक ठोस सत्य होता है, और वो ठोस सत्य क्या होता है, तो ईंटों का बलिदान। आप सोचेंगे कि बड़े बड़े जो इमारत हैं
ये खड़े क्यों हैं? ये उतने ये गगनचुंबी इमारत कैसे खड़े हैं, किस पर खड़े हैं, ये आप सोचते होंगे। ये इमारत का आकार इतना सुंदर क्यों है, कैसे है, कभी आप इसके बारे में सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। सिर्फ हम आप बाहरी चकाचौंध को ही हम देखते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या सत्य है, क्या सच्चाई है, उसको हम नहीं देखते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और वह है ईंट और न्यू ईंट न्यू ईंट का क्या है, जमीन से सात हाथ अंदर वो लाल लाल पका हुआ ईंट जो गड़े हुए हैं, वहां एक ईंट नहीं है, बहुत सारे ईंट हैं जो अपने आप को जमीन के अंदर गड़ कर करके अपने आप को बलिदान दे चुके हैं, और उस बलिदान रूपी ईंट पर जो है वो बड़े बड़े इमारत खड़े हैं। यदि वह ईंट अपने आप को बलिदान नहीं देते, जमीन के अंदर में जाकर वो नहीं करते, तो क्या ये ऊंचे ऊंचे इमारत क्या टिक पाते? नहीं टिक पाते। यदि उसी नींव को या उसी नींव रूपी ईंट को आप हिलाइएगा तो क्षण भर में क्या होगा, वो इमारत जो है धराशायी हो जाएगा, वो गिर जाएगा। इसलिए किसी भी इमारत को मजबूती टिकाऊ बनने के लिए बनाने के लिए न्यू की आवश्यकता होता है, न्यू की जरूरत होता है। और वो कैसा न्यू, तो मजबूत न्यू। बच्चों, हम सुंदर सृष्टि का सुंदर सृष्टि का जो है हम कल्पना करते हैं, लेकिन सुंदर सृष्टि तभी हमें प्राप्त होगा जब तक उसके पीछे बलिदान नहीं दिया जाएगा। बलिदान के फलस्वरूप ही हमें सुंदर सृष्टि का प्राप्त होगा। जैसे ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, लेकिन एक ईसा की शहादत ने ही ईसाई धर्म को अमर नहीं बनाया, उसके पीछे बहुत सारे धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक का भी जो है भूमिका है। इसमें बहुत से धर्म प्रचारक सूली पर चढ़ गए, बहुत से दर दर भटकते हुए भूखे प्यासे मर गए, बहुत से जंगलों में घूमते घूमते जंगली जानवरों के शिकार हुए। कहने के मतलब क्या है कि इन सभी के सहयोग से ही जो है ईसाई धर्म अमर हुआ, किसी एक से अमर नहीं हुआ। जैसे इमारत किसी एक से वो खड़ा नहीं होता है, उसमें बहुत से ईंटों का बलिदान होता है। बच्चों, हमारा देश भारत आजाद है, सिर्फ हमारे महापुरुषों के बलिदान से ही आजाद नहीं हुआ है, उसके पीछे जो है हमारा आपका सभी का जो है सहयोग रहा, यानी कि हम सभी ने मिलकर, वो तो महापुरुष तो अपने आप को तो बलिदान दे ही दिए, लेकिन उनके साथ साथ हमारा आप भारत देश के जितने भी जो है नौजवान थे, युवा वर्ग थे,
वे सभी का इसमें सहयोग था। इस आज जो है जिसको हम देखते नहीं हैं, जिसको हम देख नहीं पाए हैं, तो आज हम आप उसको जो है झूठ समझते हैं। जो हम लोग देखते हैं उसको हम सच समझते हैं, लेकिन ये आपका, ये हमारा, ये मूर्खापन है। क्योंकि ये देश आजाद हुआ तो सत्य है कि महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान दिया, उसके पीछे अनेक युवाओं का त्याग है, तपस्या है, इन सभी के परिणाम स्वरूप ही हमारा देश आजाद हुआ। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने कदम बढ़ाया है। आज का जो जनरेशन है वो नया जनरेशन है। हमारा कुछ अलग था, आपका कुछ अलग है, आपके आने वाला फिर कुछ अलग होगा। तो इस तरह से जो है कि सदियों बाद, बहुत दिनों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें न्यू चाहिए, न्यू की ईंट चाहिए, हमें न्यू की ईंट चाहिए। जैसा कि इमारत, बड़े बड़े इमारत जो है न्यू के ईंट पर खड़े होते हैं, उसी प्रकार हमको ईंट रूपी न्यू चाहिए। किसके लिए? तो समाज के लिए। कैसे समाज के लिए? तो नए पीढ़ी के समाज के लिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए अपने आप को गुंबद बनने के लिए, अपने आप को, एक दूसरे को, ध्यान को अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए, अपने आप को शाबाशी लेने के लिए, क्या है, होड़ लगा हुआ है, होरा होड़ी मची है, प्रतिस्पर्धा मचा हुआ है। लेकिन उसके पीछे कोई ठोस सत्य नहीं है, कोई ठोस ईंट रूपी न्यू नहीं है कि जो कि अपने आप को बलिदान देकर, अपने आप को मौन धारण कर उसके अंदर समर्पित कर दे। ठीक है, जो एक नई वैसे समाज जो जिसके अंदर नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, जिसके अंदर नई प्रेरणा हो, जिसके अंदर एक नई चेतना हो, जो सबासियों से दूर रहें, दलबंदियों से अलग रहें, तो ऐसे नौजवान ही जो हैं ये नए समाज का निर्माण करेंगे। लेकिन सिर्फ शाबाशी लेने के लिए, अपने आप को कंगूरा बनने के लिए, अपने आप को गुंबद बनने के लिए जो होड़ा भी लगाए हुए हैं, उसे समाज क्या बनेगा? इसलिए नए समाज बनने के लिए अपने आप को समर्पित करें।
प्रेरणा से प्रेरित हो, आप में चेतना होना चाहिए, आप में त्याग होना चाहिए, आप में बलिदान होने की क्षमता होना चाहिए, आपको सभासदों से दूर रहना होगा और दल बंदियों से अलग रहना होगा। देखते हैं आज के नेता जो हैं, कभी एक दल में तो कभी वो दल में, क्या वैसे वैसे नेता क्या करेंगे, क्या देश को संभाल पाएंगे, वो तो दल बदल में ही रह जाएंगे। इससे जो है ऐसे ऐसे युवाओं से, नेताओं से ये देश का जो है कि न्यू मजबूत नहीं होगा। ये ऐसे ऐसे व्यक्ति तो एक कंगूरा के समान होते हैं, गुमत के समान होते हैं, अपने आप को शाबाशी लेने के लिए होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज को मजबूती प्रदान नहीं दे पाएंगे, न दे सकेंगे। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है और आपके लिए प्रश्न है, सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है, दुनिया क्या देखती है, दुनिया क्या देखती है, इसमें चार ऑप्शन है, चार विकल्प हैं। पहला है ऊपरी चमक दमक, दूसरा है मन की सुंदरता, और तीसरा है आत्मा की अच्छाई, और चौथा है इनमें से सभी। तो मैं आपको जो समझाया हूं उसी में इनका प्रश्न जो है ये छिपा हुआ है। ख है इनमें से क्या सदैव साथ साथ जन्मा करते हैं। पहला ऑप्शन है सच्चाई और सौंदर्य, दूसरा है कठोरता और कोमलता, और तीसरा है कठोरता और भदापन, और चौथा है कोमलता और कठोरता। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको चूज करना है, आपको चुनना है। गह